हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सब बहुत ही टेस्टी वाली रेसिपी बनाएंगे। हम बनाएंगे तरी वाले सोयाबीन की सब्ज़ी। बरसात का महीना है, अक्सर हरी सब्जियां बहुत ही कम मिलती है, और मिलती भी है तो उतनी अच्छी नहीं। तो हम बनाएंगे सोयाबीन की सब्ज़ी। यह बहुत ही टेस्टी लगता है। इसका जो स्वाद है वह नॉनवेज के स्वाद वाला लगता है। यह तरी वाले सोयाबीन की सब्ज़ी रोटी, चावल, पूरी, पराठा, नान किसी के साथ भी खाओ, बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने बहुत ही आसान तरीके से यह सब्ज़ी बनाई है जो झटपट बनकर रेडी हो जाता है। और देखिए, बहुत ही अच्छे से ग्रेवी इसके अंदर जाती है। तो चलिए बनाते हैं सुपर टेस्टी तरी वाले सोयाबीन की सब्ज़ी। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने पैन को गर्म होने को रख दिया है। इसमें हम डालेंगे 2 ग्लास पानी। सबसे पहले हम सोयाबीन को बॉयल करेंगे। देखिए, पानी में उबाल आ गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच के बराबर नमक। यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच नमक ऐड किया है। इसे ढककर हम बॉयल होने देते हैं। ढकने से पानी जल्दी ही बॉयल होने लगती है। देखिए, पानी में उबाल आ गया है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 कटोरी, यहाँ मैंने सोयाबीन लिया है। इसे हम पानी में डाल देंगे और इसे हम ढक देंगे। ढकने से यह जल्दी बॉयल होता है और अच्छे से बॉयल हो जाता है और सॉफ्ट भी होता है। तो इसमें नमक ज़रूर ऐड करें, और बॉयल करते समय इसे ढक कर बॉयल करने से यह जल्दी बॉयल होता है और सॉफ्ट भी बनता है। देखिए, सोयाबीन अच्छे से बॉयल हो गए हैं। मैंने स्विच ऑफ कर दिया है। इसे हम थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए, थोड़ी देर बाद सोया चंक यानी सोयाबीन बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। देखिए, ये बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं, पक गए हैं। इसमें मैंने थोड़ा ठंडा पानी ऐड किया है ताकि यह बहुत ही जल्द ठंडा हो जाए। अभी भी यह गर्म है, इसीलिए हम इसे छनौटे की सहायता से निकालेंगे। तो छनौटे की सहायता से सोयाबीन को निकाल कर हम इस कटोरी में डाल लेते हैं। बॉयल करने के बाद सोयाबीन को ज़रूर से ज़रूर 2 से 3 पानी धोए। इससे जो इसमें जो झाग रहते हैं वो निकल जाएंगे। इससे सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ मैंने 2 पानी धो लिया है, और इस तरीके से हम हाथों से निचोड़ेंगे। देखिए कितने झाग बाहर आ रहे हैं। तो इसे इस तरीके से ज़रूर निचोड़ लें। इसे निचोड़ कर बनाने से सोयाबीन के अंदर ग्रेवी बहुत ही अच्छे से जाती है और तरी वाली सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसे ज़रूर से ज़रूर निचोड़ लें। सोयाबीन को बॉयल करते समय नमक तो ज़रूर ही डाल दें। देखिए कितने झाग निकले हुए हैं। ये पानी को हम अलग हटा देंगे। तो चलिए, इसकी हम सब्ज़ी बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी वाली तरी वाली सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने एक बॉल लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के बराबर दही, 2 चम्मच के बराबर जीरा धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच के बराबर हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच के बराबर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच यहाँ हम देगी मिर्च लेंगे कलर के लिए, नमक स्वाद अनुसार। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। ये बहुत ही सूखे हैं, तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से फेंट लेते हैं, फिर उसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से फेंट लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच के बराबर तेल। इसमें हम कोई भी तेल ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ सरसों तेल लिया है क्योंकि मैं ये सब्ज़ी सरसों तेल में ही बनाऊंगी। मसाला और दही फेंटने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, बहुत ही स्मूथ है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे सोया चंक। इसे ऐड करके इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो चलिए, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, बात करते करते हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो देखिए, यहाँ मैंने सोयाबीन और मसाले ऐड कर लिए हैं। इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं। अब चलिए, अच्छी वाली तरी बनाने के लिए हम बनाते हैं कुछ स्पेशल मसाले। यहाँ मैंने 2 प्याज को मिक्सी जार में डाला है रफली कट करके। 2 टमाटर को भी रफली कट करके हम डाल देंगे मिक्सी जार में। 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे। 1/2 इंच के बराबर अदरक मैंने ऐड किया है। अब इन सब का हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने इसका फाइन पेस्ट बना लिया है। अब इसे हम बॉल में डाल लेते हैं। तो चलिए, फाइनली तरी वाली सब्जी बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। यह सब्जी हम कम तेल में ही बनाएंगे। इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच के बराबर सरसों का तेल। सरसों के तेल में यह सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। तो इसमें हम अब फ़ौरन ऐड करेंगे। फ़ौरन में यहाँ मैंने 1 चम्मच के बराबर जीरा, 8 से 10 गोल मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 छोटी वाली इलायची डाला है, 2 लौंग डालेंगे, 1 बड़ी वाली इलायची ली है उसे भी डाल देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 2 तेज़पत्ते, 1 सूखी लाल मिर्च डालेंगे, 1 हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब चाहो तो इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में मिर्च ऐड कर सकते हो और तेल भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, पर मैं यह सब्ज़ी कम ही तेल में बना रही हूँ। फिर भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और ज़्यादा तेल यूज़ करना तो अच्छा नहीं है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो इसमें आप मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब ये फ़ौरन चटक गया है, इसमें हम डाल देंगे ये पीसे हुए प्याज और टमाटर का पेस्ट और इसे हम भूनेंगे। इसे हमें अच्छे से भूनना है क्योंकि यहाँ मैंने कच्चा प्याज और कच्चा टमाटर डाला है, तो इससे जो इसका टेस्ट होगा तो ज़्यादा मीठा आएगा। तो इसे हमें तेल में अच्छे से भून लेनी है। भूनने में हमें 5 से 7 मिनट लग जाएंगे, पर इस तरीके से बनाने से इसकी ग्रेवी जो है बहुत ही अच्छी बनती है, तो इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। यह पुराना तरीका है पर बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए, प्याज और टमाटर बहुत ही अच्छे से भून गए हैं। अब इसे हम ऐड करेंगे ये जो सोया चंक है जो मैंने मसालों के साथ मिक्स करके रखा था, इसे हम प्याज में डाल देंगे। अब इसे भी हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम भूनेंगे। भूनने से ही सब्जी का स्वाद अच्छा आता है, तो इसे हमें थोड़ी देर ज़रूर से ज़रूर भूनना है। तो सबसे पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर भूनेंगे। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। तो इसे हम ढक देंगे ताकि जो सोया चंक है वो अच्छे से पके, इसमें ग्रेवी जो है अच्छे से जाए, मसाले अच्छे से जाए। तो इसे हम ढक कर ही बनाएंगे। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे क्योंकि इसमें मैंने अभी ग्रेवी नहीं डाला है, तो इसे हमें बीच बीच में चलाते ही रहना है। और जो गैस का फ्लेम है उसे हमें बहुत ही कम रखना है। तो फिर से हम इसे ढक देते हैं। तो इस स्टेज तक इसे हम भून लेंगे। देखिए, यह सब्जी एकदम से ड्राई हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो सबसे पहले हम ये मसाले वाले पानी ऐड कर लेते हैं।
इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया है, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद हो तो आप ज़्यादा पानी ऐड करें, और थोड़ा कम ग्रेवी पसंद हो तो कम ही ऐड करें। तो इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर लिया है। देखिए, इसमें मैंने थोड़ा और पानी ऐड किया है, तो इतनी ग्रेवी परफेक्ट है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये पानी कम हो जाएंगे। तो देखिए, इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है। इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए और पका लेंगे, इससे ग्रेवी और भी गाढ़ी हो जाएगी। देखिए, बहुत ही बढ़िया सा उबाल आ गया, कलर भी अच्छा आ रहा है और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। तीन से चार मिनट हो गए हैं, चलिए हम सब्जी चेक करते हैं। बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। तो इसमें हम ऐड कर लेंगे 1/2 छोटा चम्मच के बराबर गरम मसाला पाउडर, और इसमें हम डालेंगे थोड़े से कसूरी मेथी, वो भी हाथों में क्रश करके डालेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे बटर या घी, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। यह मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में सब्ज़ी बनाई है, आप इसी तरीके से ढेर सारी सब्ज़ी बना सकते। तो ये बनकर रेडी हुई बहुत ही टेस्टी वाली तरी वाली सब्ज़ी। तो देखिए, मैं दिखाती हूँ यह सब्ज़ी कितना अच्छा बना। इसके सोयाबीन जो है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी लगती है। इसका स्वाद बिल्कुल ही चिकन के स्वाद जैसे लगता है। तो देखिए, इसमें बहुत ही अच्छे से ग्रेवी गई हुई है, बहुत ही अच्छी सी सब्ज़ी बनी है। तो चलिए, इसे हम सर्व करते हैं। इस सब्जी को आप चावल के साथ, रोटी के साथ, पूरी, नान, पराठा किसी के साथ भी खाओ, बहुत ही टेस्टी लगता है। बरसात का सीज़न है, बरसात में अक्सर हरी सब्जियां नहीं मिलती है, तो आप यह सब्जी बना सकते हो। यह हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी लगता है। आप देख ही सकते हो, इसमें मैंने बहुत ही कम मात्रा में तेल मसाला यूज़ किया है, तो यह हेल्दी तो है ही और इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा आता है। सबको यह सब्जी बहुत ही पसंद आती है। मैंने जिस तरीके से यह सब्ज़ी बनाई है, एक बार आप बनाएं, खाएं और सबको खिलाएं, और कमेंट करें कि यह सब्ज़ी कैसी लगी आप सबको। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, बहुत ही अच्छी वाली तरी वाली सब्ज़ी बनी है। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।